तो दोस्तों गंडा चौक पहुंच गए, यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे। देखिए सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर ब्लॉग्स। चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी हम बाहर आए हुए हैं, देखिए जहाँ पर आए हुए हैं वहाँ से चारों तरफ बाहरी पहाड़, ना टेम्पू ना बस ना कुछ कुछ नहीं। अभी हम पैदल जा रहे हैं स्टेशन की ओर, जहाँ आइए देखिए चारों तरफ कितना पहाड़ है। आप लोग पहले देखिए, देखिए एक आदमी भी नहीं, पूरा गांव भी है। तो दूर दूर तक देखिए गांव नहीं दिखाई देगा आप लोगों को, देखिए दूर दूर सिर्फ रोड पर। साथ में दीदी है, देखिए जा रहे हैं अभी हम पैदल, देखते हैं कुछ आता है तो लिफ्ट मांग के जाते हैं, नहीं आएगा तो ऐसे ही पैदल चल देंगे जहाँ तक नहीं मिलेगा ऑटो। तो चलिए दोस्तों जा रहे हैं, मिलते हैं आगे कुछ। दोस्तों अभी चलते चलते हम लोग आधा एक किलोमीटर चल लिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऑटो नहीं मिला। देखिए इधर सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है चारों तरफ, पता नहीं मिले कि नहीं। सामने लगता है एक मंदिर है, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलकर फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी चलते चलते पहुँचे हैं मंदिर के पास, मंदिर तो आगे है। देखिए सीन कितना व्यू, देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू दिख रहा है चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी, सिर्फ हम और दीदी मेरे साथ। देखिए वहाँ थक आ रही है, थक गई है। चलिए दोस्तों मंदिर पर पहुंचते हैं और आप लोग दिखाते हैं पहुंचकर। तो दोस्तों चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर पर, देखिए यहाँ लगता है भोला बाबा का मंदिर है। ये देखिए यहाँ दूर दूर तक कहीं भी आदमी लोग कहीं पर भी कोई नहीं है, सिर्फ देखिए कुत्ता के अलावा कोई नहीं है। और हम दीदी जा रहे हैं ऐसा रोड में, अकेले जा रहे हैं। चलिए मंदिर दिखाते हैं पहले आगे से। तो दोस्तों ये देखिए मंदिर का, सीन ये देखिए आगे से मंदिर भवन, आगे देखिए ये भोला बाबा का मंदिर है। आज सुबह यहाँ शायद देखिए ये पौधा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इतना लाइट चापा का लेक मिला। चाहते चलते हैं चापा का, पहले पानी पीते हैं, पानी प्यास लगे चलते चलते। तो दोस्तों आप लोग मंदिर देखा, मंदिर के आगे देखिए ये थोड़ा छोटा सा ही, क्या बोलता है उसको, तालाब बोल सकते हैं, छोटा सा झरना है। यहीं पर हम लोग सोचते हैं थोड़ा आराम कर लेते हैं। देखिए दीदी जाकर बैठ गई है और हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं नीचे। देखिए आगे सामने देखिए, इसी में सब लोग नहाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, आगे जा रही है। देखिए पूरा रोड पर ये गांव का रोड है, इसलिए इधर उतना कुछ चलती नहीं है, गाड़ी वगैरह उतना नहीं चलती है। देखिए दूर से ये देखिए व्यू, देखिए इधर पहाड़ के अंदर गांव देख रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा पहाड़ के अंदर हम अकेले, इतना बड़ा पहाड़ के बीच हम अकेले। हाँ दोस्तों इतना हवा चल रहा है कि आप लोगों को मेरा आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा होगा, पूरा हवा चल रही है, पूरा हवा की आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों गंडा चौक पहुंच गए, यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे। दोस्तों फाइनली मिल गया है टोटो, अब चलते हैं। दो किलोमीटर पैदल चलने के बाद टोटो मिला, देखिए आ रहे लाली लेवा। अवेलेबल मिलते ही रहता है टेम्पू वाले, छोटवाने टेम्पू मिलते रहता है।
ऊपर पहाड़ देखते हुए जाइए, देख रहे हैं इधर का व्यू है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये सब देखने में। दोस्तों जाते जाते आप लोग ये व्यू देख लीजिए, कितना प्यारा लग रहा है। अभी शाम का वक्त हो रहा है, सूर्य भगवान सनसेट होने की डूबने की कगार पर आ गए हैं। देखिए ये व्यू देख लीजिए, ये साइड में देख लीजिए, पूरा जंगल के बीच में चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।